okay so you can actually classify the interference phenomena on two into two different classes okay so there are different ways of achieving the interference one is division of amplitude division of amplitude and the other is division of wavefront division of amplitude and division of wavefront okay and there are a few examples of uh, interference experiments which have been performed using such a thing and uh, division of wavefront includes what we call as the slit based experiment. Narrow slit based experiment. For example, Young's double slit experiment, which includes slit. Another example is you can use uh, Franel's biprism. I hope you do this experiment when you will perform your uh, PHM 182 course. Which is uh, the physics, applied physics lab, Fresnel's bioprism. Okay, so it's a very interesting experiment, and uh, this Fresnel's bioprism will not be covered as uh, a topic in the theory course, but it has been included in your uh, practicals. Okay, another is uh, Lloyd's mirror, uh, billet split lens, lasers, etc. But these two are more important. You should focus on uh, division of uh, wavefront methods are like this fine then the division of uh, amplitude method is uh, like uh, newton's ring michelson interferometer when what we do is we divide the amplitude of the incoming wave into two different parts so division of amplitude say uh, aksar hai, single beam interference okay तो एक बीम होती है उसके एम्पलीट्यूड को आप एक स्प्लिटर लगा के डिवाइड कर लेते हैं ओके यू यूज व्हाट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड स्प्लिटर तो जब आप एक एम्पलीट्यूड स्प्लिटर लगा के डिवाइड कर लें और ऐसे दो एक्सपेरिमेंट्स होंगे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड पे एक होगा न्यूटनस रिंग और एक होगा माइकलसन इंटरफेरोमीटर इंटरफेरेंस okay. so, को दो तरीके से बांटते हैं या इंटरफेरेंस जब भी ऑब्जर्व होगा तो उसकी दो अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं। एक है आपने डिवीजन ऑफ वेफरेंट मेथड से किया है दूसरा है आपने से किया है अब डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्प्लिट्यूड में एक-एक अभी अंतर नहीं करते हैं जब हम साथ में एक्सपेरिमेंट्स करते जाएंगे तो इनका जो मीनिंग है वो भी हम समझेंगे जैसे अभी शुरू करते हैं डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट मेथड को फाइन विल स्टार्ट विद डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट मेथड तो अगर कहूं नैरो स्लिट एक्सपेरिमेंट्स है तो जो पहले वाली पेजेस जो पेज लिखा था मैंने उसमें नैरो स्लिट एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड था वेदर इट वाज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट वेव फ्रंट डिवीजन ऑफ वेव ओके डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट तो uh, हुआ ये कि करीब 1802 की बात है ये लेट मी जस्ट चेंज माय पेन ये 1802 के आसपास या 2 की बात है जब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर थोमस यंग ओके डॉक्टर यंग ब्रिटेन के हैं इंग्लिश फिजिसिस्ट हैं इन्होंने एक सोर्स लिया विच वॉज हैविंग अ स्फेरिकल वेव फ्रंट तो ये जो चीज है वेव फ्रंट इसकी एक डेफिनेशन हमने कुछ दिन पहले समझी थी कि एक ऐसा प्लेन जिसमें जो वेव आ रही है या बंडल ऑफ वेव आ रहा है उसका फेज कांस्टेंट हो उसे वेव फ्रंट बोलते हैं यही कारण है कि वेव फ्रंट का दूसरा नाम फेज फ्रंट भी होता है ठीक अब आप देखें फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग अ पॉइंट सोर्स लेट से और यू आर हैविंग अ बल्ब तो इस बल्ब से लगभग सभी दिशा में थ्री डायमेंशन में लगभग सभी दिशा में एक जैसा ही प्रकाश प्रवाहित होता है फाइन अगर इस बल्ब को मैं छोटा करता जाऊं छोटा करता जाऊं छोटा करता जाऊं और एक पॉइंट सोर्स में तब्दील कर दूं और मैं ये सोचूं कि ये सभी दिशा में एक जैसा प्रकाश प्रवाहित करता है तो मुझे स्फेरिकल वेवफ्रंट्स दिखाई देंगे एज इफ स्फीयर पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है ठीक है तो आप जैसे जैसे इस पॉइंट सोर्स से बाहर की तरफ जाएंगे और किसी भी दिशा में जाएंगे आपको इंटेंसिटी एक ही तरीके से कम होती प्रतीत होगी तो ये तो आप जानते ही होंगे एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था कि सोर्स से जितना दूर जाएंगे यानी आपके वेवफ्रंट का जो एरिया है या जो फेस फ्रंट का एरिया है, वो जितना बड़ा होगा इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी तो एक पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट है वो होता है स्फेरिकल फाइन

ऑन अ लाइन और ऑन पॉइंट तो इस तरीके से आपके पास गोशन सर्फेसिस बनते थे जिसका कि प्रभाव जैसे चार्ज का प्रभाव अब आप लीनियरली देख रहे हैं लीनियरली किसी वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका प्रभाव गोशन सर्फेस थ्रू अ सिलेंडर आप चेक कर सकते थे तो ये इस तरीके से वी गेट दैट आर इंटेंसिटी इज आउट और अगर यहाँ इस जगह से देखेंगे इसके फेस फ्रंट को तो आपको कुछ सिलेंडर या ऐसे सर्कल्स दिखाई देंगे फाइन और आप जानते हैं कि सर्कल इज हैविंग अ लेंथ देयरफॉर इट्स अ सिलेंडर फाइन तो 1802 में डॉक्टर थॉमस यंग ने क्या किया एक पॉइंट सोर्स ली तो आ, आप बता सकते हैं पॉइंट सोर्स का जो फेस फ्रंट होगा या वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा स्फेरिकल ओके तो एक पॉइंट सोर्स कैसे ली बाजार में नहीं आती है लेकिन पीछे एक ब्रॉड सोर्स थी लेट्स से एक ब्रॉड सोर्स है इसे मैं बोल रहा हूं दिस इज अ ब्रॉड सोर्स ब्रॉड सोर्स का मतलब है कि जो साइज है वो कंपेरेबल या जो सोर्स है उसका साइज इज नॉट कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स तो इसलिए हम इसे ब्रॉड सोर्स बोलेंगे तो उन्होंने एक बहुत फाइन स्लिट यूज की अब क्योंकि ये स्लिट यूज कर लिया और स्लेट एक्सपेरिमेंट होते हैं एक्सपेरिमेंट इसीलिए तो बहुत सारी लाइट ब्लॉक हो गई और केवल एक पॉइंट सोर्स बची ठीक हाइगन्स कहते हैं कि जब भी आप एक तरीके से ऐसे स्लिट लगा के सोर्सेस को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो सेकेंडरी सोर्स इसे हम कहेंगे सेकेंडरी सोर्स का खुद का अपना एक अलग भिन्न वेव फ्रंट होता है नाउ दिस वॉज अ ब्रॉड सोर्स दिस इज अ पॉइंट सोर्स और इस पॉइंट सोर्स का कैसा होता काल फाइन तो यू हैव अ अल वेट लाइक दिस अब थॉमस यंग्स ने क्या किया इसके आगे एक और स्लिट रख दी जिसमें दो होल्स हैं एक और अपर्चर विद टू स्लिट्स लेट मी कॉल दिस हैज एस वन एंड एस टू और ये जो स्लिट का साइज है वो बहुत बहुत माइन्यूट बहुत स्मॉल है और इन दोनों स्लिट्स के बीच में करीब आधे मिलीमीटर या उससे भी कम का डिफरेंस है यानी ये जो डिस्टेंस है स्मॉल डी इट इज आल्सो वेरी स्मॉल तो दोबारा से ये वेव फ्रंट डिवाइड हो गया अब हाइगेंस की वेव थ्योरी के हिसाब से जब जब ऐसा होगा कि आप पानी को रोकेंगे और पानी या किसी वेव को रोकेंगे और वेव ऐसे डिवाइड होकर बाहर आएगी तो एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाएगी जो कि फिर से स्फेरिकल होगा और ऐसा ना केवल S1 पे होगा बल्कि सेम चीज S2 पर भी होगी फाइन तो आपको क्या समझ आया यहां से निकल रहा था प्राइमरी वेव फ्रंट या प्राइमरी वेव जो बांट दी गई सेकेंडरी सोर्स बना ली अब सेकेंडरी सोर्स को भी बांट दिया तो अलग अलग सोर्सेस या से, तो इसे हम कहते हैं वेव का पार्ट है ना इसीलिए सेकेंडरी वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट अब क्योंकि ये एस वन और एस टू एक ही सोर्स की संतानें हैं एक ही सोर्स से उत्पन्न हुई है इसीलिए ये दोनों ये दोनों सोर्सेस यानी S1 और S2, आपस में कोहरेंट होंगी क्योंकि आपको बताया था कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कोहरेंट नहीं हो सकती है ये दोनों सोर्सेस कोहरेंट होंगी और कोहरेंट का मतलब है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड ओवर अ पीरियड ऑफ लेंथ द फेज बिटवीन द टू विल बी कॉन्स्टेंट और इसी कारण आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा तो ये था बैकग्राउंड कि एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसे किया गया होगा आ, इस यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट का तो हमें जो देखने वाली चीज या समझने वाली चीज है वो है सेकेंडरी वेवलेट की उत्पत्ति जो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है जैसे कि हमारी प्राइमरी वेवलेट कर रही थी बट ये है कि ये दो अलग अलग जगह पर बांटती गई और इस वजह से उसमें कोई फेस डिफरेंस है और वो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है अब हमें दिखाई देगा क्या आप लोगों को इतना समझ में आया कुड यू गेट दिस थिंग एटलीस्ट टिल दिस पॉइंट यस सर ओके सर फर्स्ट सेलेक्ट को सेकेंडरी सोर्स क्यों बोल रहे ओके okay. देखो आप बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी सोर्स है बट हमने तो बल्ब लगाया है और बल्ब जो है बल्ब का साइज कितना होता है कुछ सेंटीमीटरस में सही बात है और वेव लाइ, लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है कितनी ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी की या ऑप्टिकल वेवलेंथ की रेंज क्या होती है 400 से 700 नैनोमीटर तो ये हुआ 400 से 700 नैनोमीटर चार सौ से टू दी पावर माइनस या 400 टू दी पावर माइनस नाइन मीटर्स माइनस मीटर्स और आपकी जो सोर्स है उसका साइज है फ्यू सेंटीमीटर्स माइनस टू मीटर्स का अब इन दोनों में डिफरेंस देखें तो टेन टू दी पावर माइनस सेवन और माइनस नाइन का दिख रहा है तो कंपेरेबल तो नहीं है इसीलिए आप एक शीट लें उस शीट पर एक पिन होल बना दें आपने आठवीं क्लास में पिन होल कैमरा पढ़ा होगा सच दैट ओनली अ पॉइंट ऑफ लाइट कैन पास थ्रू दैट होल दैट बिकम्स एन सेकेंडरी वेव एक्चुअली सोर्स तो पीछे है जो पूरा बल्ब है बट वी डोंट वांट दैट उससे इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा वी वांट वेरी थिन स्लिट देन ओनली यू विल बी एबल टू सी द इंटरफेरेंस गॉट इट यस सर तो ये सेकेंडरी uh, वेवलेट वाली चीज आपको बतानी जरूरी थी एंड uh, ये जो सेकेंडरी वेव वाली थ्योरी है वो हाइगेंस ने दी थी हाइगेंस वेव थ्योरी उससे रिलेटेड है ये फाइन तो नाउ यू एटलीस्ट नो समथिंग अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि, कि किसी वेव का मैक्सिमा और किसी वेव का मिनिमा या किन्हीं दो वेव का मैक्सिमा मिनिमा मिनिमा कोइंसाइड करें इंडिपेंडिंग ऑन कि किस फेज में वो इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन हो रहा है आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा अगर यहाँ आपके एक स्क्रीन रख देते हैं ठीक और कुछ कंडीशंस बताई थी अब हमारे पास सोर्स जो है वो यहाँ है डॉक्टर ठीक यहां है सोर्सेस यहाँ है प्लेन तो इन दोनों सोर्स और स्क्रीन ये है तो कुछ कंडीशंस बताई थी कि सोर्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस इतना होना चाहिए दो सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस ये होना चाहिए और ये जो स्क्रीन है उसका कलर कैसा होना चाहिए इन ऑर्डर टू सी द फ्रिंजेस इन अ गुड वे व्हाट शुड बी द कलर ऑफ द स्क्रीन इट शुड बी इट शुड बी ब्लैक ब्लैक इट शुड बी डार्क एंड या एंड योर टिक फाइन तब आपको बेहतर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा अदरवाइज रंग बिरंगी फ्रिंजेस मिल जाएंगी और अलग अलग fringes, आगे आप चल के देखेंगे होती है, उनकी फ्रिंज विथ भी अलग अलग होती है फाइन चलिए दूसरी चीज आगे बढ़ते हुए करते हैं अब आप एक सिंपल सा डायग्राम बना लीजिए एक्सप्लेनेशन तो आप लोगों को मिल ही चुका है तो हमारे पास वो क्या रहा है आपके पास है एक ब्रॉड सोर्स ओके

ये स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन रखती है और इस स्क्रीन के किसी एक पॉइंट पी पर मैं देखना चाहता हूं कि एस वन और एस टू का क्या प्रभाव होगा क्या यहां पर एक मैक्सिमा होगा ब्राइट कलर दिखेगा कैसा कलर दिखेगा ठीक उसके साथ ही कुछ और चीजें लिख लीजिए ये सेंटर पॉइंट जो है इसे बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलाते हुए चलिए टिल दिस पॉइंट लेट मी कॉल दिस एज ओ तो ये जो स्लिट के बीच में है एक पॉइंट इसको ओ बोल रहे हैं यहां इस स्क्रीन पर इसे पर्पेंडिकुलर डाल दीजिए ठीक ऐसी ही एक स्ट्रेट पर्पेंडिकुलर स्क्रीन पर एस वन से डालिए और सेम आप ऐसा ही कुछ एस टू से कीजिए और फिर नाम दे दीजिए इस पॉइंट को ए इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी ठीक तो ये जो पॉइंट हुआ सी वो दरअसल स्ट्रेट अगर देखें तो इट कोइंसाइड्स विद द मिडल और मिड पॉइंट ऑफ द एस वन एंड एस टू ठीक है ये दोनों यहां ऐसे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करी है तो दिस इज द मिडल ऑफ द स्क्रीन वी कैन से, विच इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द मिडल ऑफ थिंग्स लाइक दिस अब कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं लेट मी कॉल की डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट अपर्चर एंड द स्क्रीन इज कैपिटल डी लेट मी कॉल दैट द डिस्टेंस इज कैपिटल डी ऑल्सो लेटमी से डिस्टेंस बिटवीन इज टू इन यानी ओ से एस वन का डिस्टेंस डी है ओ से एस टू का डिस्टेंस डी है और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया है टू डी फाइट तो ये जो डिस्टेंस है ओनली दिस मच इज डी और ये जो डिस्टेंस है वो भी है एंड दिस इज ये अगर आप C से देखें P की दूरी कितनी है तो वो है कोई y y वाई okay? C से P की दूरी है y इट like तो आपने ये डायग्राम मेरे साथ ड्रॉ कर लिया है हम इंटरेस्टेड हैं पाथ डिफरेंस फाइंड करने में क्योंकि अगर मुझे पाथ डिफरेंस मिल जाए तो फिर में

वो y- माइनस डी के बराबर नहीं हो जाएगी अगर ये y है और ए सी डी है तो ये y- माइनस डी हो गया तो ए पीअ माइनस डी डू यू अग्री आई कैन राइट ओवर हेयर टू यानी प्लस ए पी का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर एस वन पी का स्क्वायर इक्वल्स टू एस वन ए स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर ठीक तो या फिर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एस वन पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस वन एस वन ए कितना प्लस ए पी कितना, है? D. कितना है? Y D और ये हो गया इसका अंडर रूट इसी तरीके से अगर एस टू पी निकाल लें तो वो कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए इट वुड बी इजी एस टू पी स्क्र प्लस हो प्लस डी हो जाएगा yeah. so, पहले इतना था वाई में ये भी जाएगा तो 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 ये ये से यहां तक का so, हो गया S to P. So, S P पता चल गया आप जानते हैं पाथ डिफरेंस इज नथिंग बट इक्वल्स टू एस टू पी माइनस एस वन पी ठीक एस टू पी माइनस एस वन पी तो आपके पास जो फाइनल पाथ डिफरेंस आया फाइनल पाथ डिफरेंस आया उसका फॉर्मूला हो गया कुछ ऐसे होल स्क्वेयर की पावर वन बाई टू माइनस डी स्क्वेयर प्लस वाई माइनस डी का होल स्क्वेयर की पावर वन बाई टू ओके इट्स लाइक दिस अब मुझे यहां से डी स्क्वायर कॉमन लेने दीजिए तो मेरे पास जो फॉर्मूला बचेगा इट वुड बी जस्ट दिस वन प्लस वाई प्लस डी अपॉन कैपिटल डी का स्क्वायर की पावर हाफ माइनस यहां से भी d कॉमन वन प्लस वाई माइनस डी अपॉन डी का होल स्क्वायर की पावर ओके इट्स लाइक दिस अब क्योंकि d जो है डी यानी कैपिटल डी जो है वो काफी बड़ा होता है आपको पहले भी बताया था अगर आपको बेहतर फ्रिंजेस देखनी है तो डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज एंड द स्क्रीन शुड बी वेरी वेरी लार्ज वेरी लार्जेज कंपेयर टू दिस स्मॉल डी ओके और फ्रिंजेस वाई तो वैसे भी बहुत स्मॉल होता है इट्स इन फ्यू मिलीमीटर्स सो दिस टर्म ये जो वाई माइनस डी का होल स्क्वायर वाई माइनस डी अपॉन कैपिटल डी का होल स्क्वायर हम ले रहे हैं ये बहुत बहुत छोटा होगा तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्र की पावर हाफ ओके तो अगर एक्स बहुत छोटा है तो आप बाइनोमियल थ्योरम लगाएं और साथ में जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उन्हें इसलिए नेगलेक्ट कर दें क्योंकि वो बहुत छोटे हो जाएंगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी पांच डिफरेंस की जो कि होगी ये डी वन प्लस वाई प्लस डी का

डी क्योंकि ये डी यहाँ पर है आप देखें क्योंकि ये डी ब्रैकेट के बाहर है और अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास अंदर इस जगह टू डी बचेगा और इस जगह टू डी बचेगा और ये डी और ये डी कैंसिल हो जाएंगे आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ मैथमेटिक्स इस ब्रैकेट को ओपन करें चलिए मेरे साथ ओपन कर लेते हैं दिस विड बी डी प्लस वाई प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन टू डी माइनस डी माइनस y minus d ka whole square upon 2d fine ye d se ye d cancel ho za common lay 1 upon 2d fine are you following maths so the, yes, the path difference would be 1 upon 2d and in a bigger bracket it would be 1 plus d k square minus, one minus d ka square fine and this would be 1 upon 2d the path difference Y square plus D square plus two Y D minus Y square minus D square plus two Y D. Okay, it would be something like this. Y square say Y square cancel, D square say D square cancel. Then this is equals to two into two, which is four Y D upon D two D. So, will बचेगा two D into two D into Y upon capital D. Okay. So path difference, is path difference delta hai s2 p minus s one p depends on y is the distance on a screen from the center of the screen. You see? Y is the distance of the point P from the center of the screen. Okay. 2D is the distance between the two slits and capital D is the distance between source and screen. तो जो पाथ डिफरेंस होगा इट वुड बी टू डी अपॉन डी जिसमें आप समझ लीजिए ये टू डी जानबूझ के यूज किया है इट इज ओनली द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स अगर दिया होता कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स जो है वो लेट्स से है तो आप d को पॉइंट वन मानते या 2D टू डी को पॉइंट वन मानते हैं बताए टू डी एग्जैक्टली ये चीज याद रखिएगा कई लोग गलती कर जाते हैं फॉर्मुला पुट करने में इट शुड बी टू डीवल्स टू फुल डिस्टेंस बिकॉज हम सेंटर से डिस्टेंस नहीं देते हैं अगर सेंटर से डिस्टेंस दिया होता है तो ठीक है उसे डी मान सकते थे फाइन तो अब आपके पास पाथ डिफरेंस तो है ही और आप जानते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस जो है वो टू एन मल्टीपल हो जाए लमडा बाई टू का यानी और नहीं इवन मल्टीपल हो जाए हाफ वेवलेंथ का तो मिलता है मैक्सिमा और मैक्सिमा का मतलब होता है ब्राइट फ्रिंज ये लास्ट टाइम आपको बताया था मैक्सिमम मतलब ज्यादा लाइट मिले और अगर यही पाथ डिफरेंस 2n एन प्लस वन लेमडा बाई के बराबर हो जाए तो आपको मिलता है मिनिमा और मिनिमा का मतलब क्या होता है डार्क फ्रिंज ओके तो अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आई 2d डी अपॉन वाई इसको हम रिलेट करके देखते हैं मैक्सिमा से या मैक्सिमा की कंडीशन से और मिनिमा की कंडीशन से ठीक है तो अब आपके पास कई सारे मैक्सिमा कई सारे मिनिमा आ सकते हैं तो लेट मी कॉल दैट देयर इज एन एन एथ ऑर्डर मैक्सिमा वाई एन इज एन एथ ऑर्डर मैक्सिमा एंड आई नो टू डी इन टू वाई एन अपॉन कैपिटल डी इज इक्स टू टू एन टाइम्स लैमडा बाई टू तो, तो दरअसल ये बराबर हो गया लैमडा टू से टू कैंसिल वाई एन अगर मैं देखूं विल बी इक्वल्स टू एन लैमडा into d upon 2d n lambda into d upon 2d yn kya hai yn is a क्या है the center of the screen ab depending on n kya hai अब डिपेंडिंग ऑन एन क्या है आपका लैमडा क्या है स्मॉल डी क्या है कैपिटल डी क्या है इट विल डिपेंड कि आपको मैक्सिमा मिलेगा सो दिस इज द कंडीशन फॉर एनथ मैक्सिमा फॉर एनिथ मैक्सिमा इसी तरीके से यू कैन फाइंड फॉर द कंडीशन ऑफ तो बी टू डी वाई एन अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल्स टू टू डी वाई एन अपॉन कैपिटल डी तो मुझे अब वाई एन को वाई एन डैश लिखने दीजिए टू स्पेसिफाई की डैश मतलब मिनिमा की कंडीशन है एज आई टोल्ड यू इट वुड वु टू एन प्लस

fine. so this also is uh, not that tough. This yn, which is the distance from the center for nth minima or maxima. if this is equals to, let me just say n upon d upon 2d. will you not say that this is a constant? for a given system, this will be constant. d upon 2d. and then it is equals to. टू एन इंटू लैमडा बाई टू फाइन टू एन इंटू लेन सोर्स मोनोक्रोमैटिक सोर्स जो वाई एन होगा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं टू एन टाइम्स डी अपॉन टू डी इंटू लैमडा बाई टू इज इंट इट तो क्या ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट नहीं है बिल्कुल है सो फॉर कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और एनथ मैक्सिमा इट इज फॉर मैक्सिमा right? so, है या ब्राइट फ्रिंच। और ऐसा ही आप यहां भी कर सकते हैं अगर मैं वाई एंड डैश देखू तो ये हो जाएगा टू एन प्लस टू एन प्लस डी अपॉन टू डी इंटू लैमडा बाई टू तो दिस अगेन इज अंस्टेंट और ये कॉन्स्टेंट देखें दोनों में सेम है

Yes, yes. तो वेरिएबल है ना? No. I said तो, I said तो अगर आपने एक सोर्स फिक्स कर ली तो फिर उस सोर्स का सोडियम uh, uh, लैम्प uh, ले आए तो सोडियम लैम्प है आपके पास कोई uh, कोई रेग्युलेटर नहीं है जिसको घुमा के आप कर सकते हो लो इसकी फ्रिक्वेंसी मैं बदल देता हूँ ठीक है, है yes, अब ऐसा हो सकता है, किसी एक्सपेरिमेंट में आपसे कहा कि आ, आप सोडियम लैम्प यूज कीजिए किसी एक्सपेरिमेंट में कहा नहीं, नहीं आप रूबी लेजर यूज़ कीजिए तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन एक एक्सपेरिमेंट पर लैमडा सेम होगा लैमडा इज नॉट अ वेरिएबल ठीक गुड यू गेट इट अब आ जाए आप फ्रिंज yes, फ्रिंज विथ कितनी होगी तो आप चाहें तो देख सकते हैं एक ब्राइट फ्रिंज से दूसरी ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस क्या होगा तो एक्चुअली इस सेटअप में वेयर इज दैट सेटअप एक फ्रिंज हमें यहां दिखाई दे रही है फॉर एग्जांपल एक फ्रिंज हमें यहां दिखाई दे रही है और लेट्स से दूसरी फ्रिंज जो है कहीं दूसरी जगह यहां दिखाई दे रही है दिस इज अनदर फ्रिंज लेट मी कॉल दिस एस yn+1 दिस वाज लेट्स से yn तो इन दो फ्रिंजस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा ट विल बी द डिस्टेंस तो इसे कहते हैं फ्रिंज विथ कितनी होगी तो आप निकाल सकते हैं फ्रिंज विथ कैसी दिखेगी अगर आपके पास पॉइंट सोर्सेस हैं या स्लिट सोर्सेस हैं तो आपको जैसे मान लीजिए अगर आपने पॉइंट सोर्स ली है तो आपको फ्रिंजेस ऐसी दिखाई देंगी डॉट्स पैटर्न डार्क डॉट ब्राइट डॉट डार्क डॉट और ब्राइट डॉट अगर आपने एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्लिट ली है तो आपको ये पैटर्न दिखाई देगा है दोनों ही फ्रिंजेस तो अगर पॉइंट सोर्स लिया है तो ऊपर वाला पैटर्न अगर आपने स्लिट सोर्स लिया है रेक्टेंगुलर स्लिट तो ये पैटर्न दिखाई देगा ठीक है अब हमें ये पता करना है अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करूं तो मुझे ये दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है दो ब्राइट फ्रिंजेस या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस क्या है एक्चुअली जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हैं उनकी जो विथ है वो एक्चुअली सेम होती है तो चलिए हम करके देखते हैं व्हाट विल बी वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन वॉट विल बी वाई एन प्लस तो वाई का फॉर्मूला आपको पता है वॉट इज वॉट वॉज वाई तो फ्रिंज विथ का कोई नाम रखते हैं लेट मी कॉल दिस एज बीटा तो ये वो बीटा नहीं है जिसमें इंटेंसिटीज का रेशियो लिया था मैं एफ डब्ल्यू लिख देता हूँ इसका मतलब फ्रिंज विथ वाला बीटा है वाई का फॉर्मूला अभी बताया था आपने इट वॉज डी अपॉन टू डी लैमडा बाई टू और मल्टीप्लाइकेशन किसका था साथ में वट वॉज देयर मल्टीप्लाइड इन टू टू एन करेक्ट तो ये हो गया वाई एन ये हो गया वाई एन और अगर मैं एन की जगह एन प्लस वन लिख देता तो वो हो जाता वाई एन प्लस सही बात है ये तो कॉन्स्टेंट ही रहने वाला था डू यू अग्री तो इस टू एन की जगह में लिख देता एन प्लस वन माइनस ये कर देता और कॉमन ले लेता ये तो क्या ऊपर और नीचे आप, आपको समझ आया क्या स्टेप किया है मैंने बिकॉज वाई एन प्लस वन वॉज नथिंग बट टू ब्रैकेट में एन प्लस वन डी अपॉन टू डी लेमडा बाई टू तो वो मैंने कॉमन लेके ऊपर वाला ये फ्रेंच विट निकालने की कोशिश है ठीक है अब यहाँ से हम देखें तो मेरे पास हो जाएगा एक हो जाएगा 2n एक टू और एक माइनस टू और फिर ये वाला कांस्टेंट चल ही रहा है d अपॉन टू डी इन टू लैमडा अब यहाँ से देखूंगा ये 2n और 2n एन कैंसिल हो गए अब कितना बचा मेरे पास 2 इन टू डी अपॉन टू डी इन टू तो ये 2 से 2 भी कैंसिल तो ये बचा आपके पास डी लैमडा अपॉन यानी रेशियो ऑफ द डिस्टेंस So डी तो so अगर आपको फ्रिंज विथ बढ़नी बढ़ानी है तो आपको आपकी स्क्रीन को दूर ले जाना होगा या पास ले जाना होगा दूर. दूर ले जाना होगा अगर आपको फ्रिंज विथ बढ़ानी है तो दो सोर्सेस S1, S2 टू का डिस्टेंस कम करना होगा या ज्यादा करना होगा कम कर, कम करना होगा एग्जैक्टली exactly. और ज्यादा वेवलेंथ के लिए बेहतर फ्रिंजेस दिखेंगी या मैं कहूं ज्यादा वेवलेंथ होगी तब फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी या कम वेवलेंथ होगी तब फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी कम वेवलेंथ जब लैम्डा कम होगा तब फ्रिंज विड्थ भी कम होगी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दिख रहा है जब लैम्डा कम होगा तो फ्रिंज भी कम होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो

बताइए कि किस वेवलेंथ के लिए आपको फ्रिंज विथ तो जो है फॉर अ गिवन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसमें डी और टू डी कॉन्स्टेंट रहेगा किस वेवलेंथ के लिए आपको फ्रिंज विथ बेहतर या ज्यादा दिखाई देगी तो आप देख लें कि वेवलेंथ ज्यादा मतलब फ्रिंज विथ ज्यादा तो ये बात भी समझ आ गई कुड यू गेट इट ओके एक, yes, एक... Yes, नाइस देन एक और छोटा सा आइडिया होता है जिसे आप sir, clean, 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 clean. क्या कह रहे हैं सुरेंद्र क्या बोल रहे हो बेटा यू सेइंग समथिंग अबाउट द स्क्रीन आई थिंक स्क्रीन शुड बी विजिबल आपने uh, कोई नोटिफिकेशन वगैरह आया होगा तो उसको हटा दिया होगा बाकी लोगों को तो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना ये वाली यस सर यस सर यस सर अब आ जाए आप एक छोटा सा टॉपिक और है जिसे कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ एंगुलर फ्रिंज विड्थ एंगुलर फ्रिंट वेट यहां से देखें अब दिख रहा है दरअसल मान लीजिए स्लिट का सेंटर ये है ओ और स्क्रीन का सेंटर ये है सी तो हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी ओ सी अगर आप पुराने वाले डायग्राम में देखें या अपने पेजेस पलट के देखें तो ओसी वॉज एक्चुअली द सेंटर बिटवीन द स्लिट सेंटर ऑफ द स्क्रीन दिसक्रीन गॉट इट हमारे पास है स्क्रीन रिपीटेड विच पेज दिस पेज दिसे प्लेन पर यू हैव अ पॉइंट पी ओके जहां पर हम कह रहे हैं दैट वी गेट समय एच फ्रिंज मेकिंग एंगल ठीटा विद द सेंटर तो अलग अलग किस्म की फ्रिंजेस होंगी जैसे एक फ्रिंज होगी यहाँ पे कोई ये वाली वाई एन माइनस वन एक फ्रिंज होगी और ऊपर तो अगर मैं वाई एन के लिए लिखूं तो आप ये जो डिस्टेंस है ये है कैपिटल डी तो आप जानते हैं कि टेन थीटा कैसे लिखूंगा मैं ये थीटा एन जो है टेन थीटा एन एक एन माइनस वन एन प्लस वन ऐसे हो सकता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी yn/d yn/d अब आप अगर डिस्टेंस ज्यादा कर दें यानी ये जो d है वो बहुत ज्यादा है तो एंगल बहुत स्मॉल हो जाता है तो आई वुड से दैट थीटा n इज वेरी स्मॉल ठीक एक डिग्री का भी कुछ पोर्शन हो पाता है इतना दूर रखना होता है आपको करीब डेढ़ से दो मीटर

तो ये ये एक समझ में वाली चीज आ गई तो अब आपसे पूछा गया है कि एंगुलर फ्रिंज बता यानि थीटा एन प्लस वन थीटा एन क्या होगा तो कैन आई तो like और ये क्या है वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन वॉट इट इज इट इज द लीनियर फ्रिंज विथ इट इज नॉट द एंगुलर फ्रिंज विथ एक्चुअली

यंग्स डबल स्टड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड तो आपके पास तीन चार फार्मूलेस आ गए एक फ्रिंज विथ का फार्मूला है एक एंगुलर फ्रिंज विथ का फार्मूला है एक मैक्सिमा मिनिमा का फार्मूला है तो इस तरीके से आप कुछ फार्मूला यूज करें एंड देन यू वुड बी एबल टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चन ओके सो ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वट आई डू इज आर यू गाइज फ्री इन द आफ्टरनून टूडे Do you have time like yes, तो तो yes, till two? दो बजे तक फ्री हैं, राइट right? अच्छा, two, at two. अच्छा, दो बजे फ्री हैं आप, यही बोल रहे हो? नोसर, यस, क्लास प्रोग्रामिक्स at two. अच्छा, you have a class at two and before that you are free. तो at least मुझे आधा घंटा भी चाहिए होगा तो अगर मुझे शुरू भी करना है तो एक से डेढ़ बजे के बीच में करूँ। या फिर उससे पहले कभी भी कर सकता हूँ, हाँ? Yes sir Okay, then I will inform you around 10.30. If I will be free, I will let you in. And uh, we will practice a few questions. And that session will not be recorded. Okay, sir. Okay, okay. No. okay. So, you can invite your friends. There are a few good questions on this small topic. But you see how the higher-order thinking capabilities will be induced uh, after knowing the facts uh, that you can actually relate uh, the fringe width as angular fringe width and all. And the concept of secondary wavelets. वो देखेंगे आने वाली क्लास में जो मैं कोशिश करूंगा आज ही ले लें सो दैट वी कैन स्टार्ट विद रहेगा नहीं तो हो सकता है कि शायद केवल तीन में का हो अगर इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा क्लासेस में लेने लगे तो फाइन देन सो मोस्ट प्रोबेबली ट्राई माई बेस्ट टू हैदर ट्वेंटी मिनट क्लास इन आफ्टरनून टूडे बिफोर टू पी एम एनी Okay then, yes, I will stop the recording.